मैंने देखिए यहाँ पर Xiaomi के Redmi Note 5 Pro को खरीदने के लिए तो आप पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है एक और टेंशन, यहाँ पर मनु जैन जो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर है Xiaomi इंडिया के, उन्होंने यहाँ पर खबर दी है कि हमारा जो Xiaomi का Redmi Note 5 Pro है वो अगर आपको खरीदना है तो आपको अब 1,000 रुपये एक्स्ट्रा यानी कि 1,499 रुपीज़ जो है आपको पे करने होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि क्यों जो है ये प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है Xiaomi के Redmi Note 5 Pro में, और साथ ही Xiaomi के Mi TV 4 में भी ये जो इंक्रीमेंट है वो हुआ है। तो इस वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि ये इंक्रीमेंट क्यों हुआ। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। देखिए इस बात से रिलेटेड जो है मनु जैन जी जो कि Xiaomi इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया था ट्विटर पे, और वहाँ पर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्यों उन्होंने जो है ये किया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली जो दिक्कत जो उन्होंने बताई जिस वजह से ये इंक्रीमेंट करना पड़ा प्राइस में, वो थी PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का जो इम्पोर्ट है वो हो उसमें, क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ गई थी पहले से। तो यहाँ पर जो है उसकी वजह से अब फिलहाल में जो यहाँ पर लोकल जो उनकी फैक्ट्री थी जहाँ से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनते थे वो इतना सफिशियंट नहीं था। ऑब्वियसली यार यहाँ पर फ्लैश सेल्स में बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाता है, तो यहाँ पर जो है Xiaomi तैयारी कर रहा है कि आपको थोड़ा और स्टॉक दे। तो इसके लिए यहाँ पर जो लोकल जो फैक्ट्री थी जहाँ से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनते थे वो इतनी सफिशिएंट नहीं है फिलहाल कि आपको इतने ज़्यादा स्टॉक्स दे सकते हैं। यहाँ पर जो बाहर से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स को मंगाने में उन्हें थोड़ा इंक्रीमेंट करना पड़ा प्राइस में, क्योंकि अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स अगर वो बाहर से मंगाते हैं तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस थोड़ी इंक्रीज़ हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और उन्होंने बताया रीज़न जो कि था कि यहाँ पर जो है रुपीज़ जो है वो थोड़ा कम हो गया है इस साल, 5% इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में रुपीज़ में, जिस वजह से जो उन्हें शायद घाटा हो सकता था तो इस वजह से उन्होंने इसे बढ़ाया। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल बात यह है कि यहाँ पर जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं उन्हें वो बाहर से भी मंगा रहे हैं ताकि जो है यहाँ पर थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा सके Redmi Note 5 Pro, और Mi TV 4 का भी सेम केस यही है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ी हुई थी जिस वजह से यहाँ पर बढ़ा। लेकिन यहाँ पर कुछ जो मेरे को लगता है थोड़ा लफड़ा में थोड़ी लफड़े वाली बात लगती है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ Xiaomi के Redmi Note 5 Pro में ही ऐसा क्यों किया, सिर्फ Xiaomi नहीं ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं वो सिर्फ Xiaomi तो बाहर से नहीं मंगा रहा, बाकी जो कंपनीज हैं वो भी इसे मंगाती हैं बाहर से। तो यहाँ पर उनकी किसी प्राइस में तो कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन ये Xiaomi के Redmi Note 5 Pro में जो वो यहाँ पर क्यों आया है। बाकी यार आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है यहाँ पर Xiaomi क्या लालची हो गया है, अपने व्यूज़ है बिल्कुल शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, और बताइए आपको क्या लगता है इस पूरे केस के बारे में। क्योंकि मुझे फिलहाल लगता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट 1,000 रुपये ठीक नहीं है, यहाँ पर कम होना चाहिए था इंक्रीमेंट, 500 रुपये एक्स्ट्रा होता तो ठीक रहता। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यहाँ पर इतने भी ज़्यादा कस्टम ड्यूटी बढ़ी है तो इतनी भी नहीं बढ़ी कि यार 1,000 रुपये एक यूनिट पर यूनिट पर आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, और बाकी उन्हें तो कुछ बढ़ाया भी नहीं। बाकी कंपनीज़ के सारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो फिलहाल अभी तक तो एटलीस्ट अभी इतने हैं, बाद में अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं अगर कोई और किसी चीज़ स्मार्टफोन का प्राइस इंक्रीमेंट होता तो कोई बात नहीं यार, हो जाता है तो हो जाता है। तो बाकी यार इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया हो, आपको पता चल गया होगा कि किस वजह से जो है यहाँ पर Redmi Note 5 Pro में आपको एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ रहे हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको वीडियो पसंद है डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, नीचे लाइक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, से मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।